सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने ही चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, क्या यूपी टेट और सी टेट में फेल अभ्यर्थी भी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूंगी। ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका ना तो यूपी टेट निकला है ना सी टेट निकला है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को उन तक भी शेयर करिएगा जिन भी अभ्यर्थियों का अभी तक नहीं निकला है, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, यूपी टेट और सी टेट, आपको पता है कि जो यूपी में सुपर टेट की परीक्षा होती है, ये आप सभी लोगों को पता है कि सुपर टेट का जो एग्जाम होता है, इसके लिए चाहे आप यूपी टेट पास हो 1-5 प्राइमरी लेवल का, चाहे आप सी टेट पास हो 1-5 प्राइमरी लेवल का, अगर आप सी टेट पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं सुपर टेट में, अगर आप यूपी टेट पास हैं तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों में से अगर कोई भी आप पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या तब आ रही है जब आप इन दोनों में से कोई भी नहीं पास है, ना तो यूपी टेट पास है ना तो सी टेट पास है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इसी वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। क्योंकि ये वीडियो यहाँ पर दोस्तों देखिए ध्यान से, आप ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पहले बता चुकी हूँ। आपको पता है कि जो सी टेट है ये सीबीएसई कराता है, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ये सी टेट का एग्जाम लिया जाता है, और सी टेट का एग्जाम साल भर में 2 बार होता है, लेकिन पिछले 2 सालों से 2020 और 2021 में ये पेपर नहीं हो पाया 2 बार। उसका रीजन आप लोगों को पता है, क्योंकि कोरोना आ गया था और कोरोना की वजह से ही सीटेट का एग्जाम नहीं हो पाया था, और सीटेट का एग्जाम केवल साल में 1 बार ही करा लिया गया किसी तरीके से, और यूपी टेट का तो आपको पता ही है साल में 1 ही बार होता है। तो यहाँ पर अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट जो कि आपको पता है कि जुलाई में आता है, और आपको पता है सिर्फ कोरोना की वजह से 2 सालों में 2 बार नहीं हो पाया सीटेट। तो इस बार पूरी प्लानिंग है सीबीएसई बोर्ड की कि जो एग्जाम है उसको जुलाई में कंडक्ट कराया जाए, और जुलाई में कराने के लिए मार्च में नोटिफिकेशन जारी करनी होगी। तो मार्च के फर्स्ट वीक में ये क्लियर हो जाएगा कि आप जो सीटेट का एग्जाम है वो होने वाला है या नहीं। लेकिन दोस्तों, पूरी श्योरिटी है कि जो सीटेट का एग्जाम है वो निश्चित रूप से जुलाई वाला इस साल होगा, क्योंकि इस साल कोरोना का जो भी वेव आना था वो आ चुका है। तो इस साल निश्चित रूप से उम्मीद यही है कि जुलाई में सीटेट का एग्जाम होगा। और आप लोगों को क्या करना है, जिनका भी यूपी टेट सीटेट नहीं निकला है, तो आपको फोकस करना है जो जुलाई में होने वाला सीटेट का एग्जाम है, और इसके लिए अभी से आपको प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं जरूर बताऊंगी। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोज यूपी टेट की भी और सीटेट की बनाई है, उन सभी विषयों के वीडियोज को आप देख भी सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो बहुत परेशान है कि ना तो यूपी टेट निकला ना सीटेट निकला तो हम क्या करें। तो आपके पास यही एक उपाय है कि आप लोग मेहनत करके हर हाल में सीटेट को निकालिए, और अभी से मेहनत करेंगे तो सीटेट आसानी से निकल भी जाएगा जुलाई वाला। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो लोग यूपी टेट और सीटेट क्वालिफाई हो चुके हैं वो लोग अब सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को भी जल्दी जल्दी तैयारी करके हर हाल में सीटेट निकाल करके आपको भी भर्ती में शामिल होना है। भर्ती अभी जो दोस्तों आपको पता है कि आचार संहिता लगी हुई है, और भर्ती अगर कोई भी नई सरकार बनती है तो तुरंत तो भर्ती निकाल नहीं देगी, कम से कम 2-3 महीने उसको व्यवस्थित होने में लगेगा। और अगर ये सब चीजें देखें हम तो कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त में ही वैकेंसी आएगी, उससे पहले नहीं आएगी, उसका विज्ञापन जुलाई अगस्त तक ही आएगा। तो अगर आप लोगों का सीटेट निकल जाता है जुलाई वाला तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस भर्ती में। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी बना करके चलिए, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो, हमसे पूछिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और जिनको भी लगता है वो पास नहीं है यूपी टेट सीटेट, उनके लिए तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है, उन तक आप जरूर वीडियो को पहुंचाइएगा, अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां तक प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोज को देखते रहिए, और जहां कहीं कोई भी समस्या आए हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।